माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का चैप्टर है वैन डायग्राम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वैन डायग्राम होता क्या है? देखिए, कुछ पिक्चर मैं बनाऊंगा और उसमें आपको रिलेशन बताने हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा मैंने तीन सर्कल अलग अलग ले लिए, तीन सर्कल ले लिए मैंने अलग अलग, तो इन सर्कल में आपस में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है? नहीं है। इसका मतलब है ये तीनों अलग अलग हैं। इनको अगर मैं कुछ नाम दे दूँ, जैसे इसको ए दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, इसको सी नाम दे दूँ, इसका मतलब क्या हो गया? ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। ए का ना बी से और ना सी से कोई संबंध नहीं है, ना बी का ए से और ए सी से संबंध है, और ना ही सी का ए और बी से संबंध है। ये तीनों ही अपने आप में क्या है? अलग है, इंडिविजुअली है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूं, ये रिलेशन रख देता हूं। अब ये दोनों आपस में थोड़े से मर्ज हो रहे हैं ना, तो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन कहलाएगा कुछ। क्या कहलाएगा? कुछ, ठीक है ना। अगर इनको नाम दे दूं, इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, तो यहां पर रिलेशन क्या बना? रिलेशन बना कुछ ए बी है या फिर कुछ बी ए है, तो ये बन गया कुछ का रिलेशन। समझिए ना, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों का है, थोड़ा थोड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? कुछ कहलाएगा। इसका मतलब रिजल्ट निकल के ये आएगा कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। क्लियर? अब मैं मान लो इसमें ये दे दूं, ये मैंने ए मान लिए और इसके बाहर मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। अब क्या है यहां, क्या रिजल्ट है? यहां पे रिजल्ट है सभी ए बी हैं। क्या रिजल्ट है? सभी ए बी हैं, यानी कि जो अंदर वाली चीज है वो बाहर वाली के अंदर समाई हुई है। समाई हुई है तो यहां पर रिजल्ट बनता है आपका सभी ए बी है, ठीक है ना। यानी कि याद क्या रखना है, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका रिजल्ट बनेगा सभी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बाहर से अंदर आऊं तो बाहर वाली आकृति जो है उसका कुछ हिस्सा किसने घेरा हुआ है? ए ने घेरा हुआ है। तो यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा? यहां पे रिजल्ट बना कि कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। क्लियर हुआ? जब अब आपको याद क्या रखना है, जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो रिलेशन है सभी का, और जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो रिलेशन है किसका? कुछ का। समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए, अब यही आपको फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं कुछ आकृति देता जाऊंगा और उनमें आप रिलेशन बनाते जाएंगे। जैसे मैंने ए आकृति दी, पहली आकृति ली हमने ये, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों इंडिविजुअली है, तीनों अलग है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बी आकृति ली हमने ये वाली, ठीक है ना। तो यहां से अंदर से बाहर चलेंगे तो सभी का रिलेशन, और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ का रिलेशन, ठीक है ना। सी आकृति हमने ली ये वाली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इन दोनों आकृति में तो आपस में संबंध है। ये वाली आकृति इस वाली आकृति में चले तो ये अंदर से बाहर चलेंगे तो सभी, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ, लेकिन तीसरी वाली आकृति का इन दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। डी ये ले लिया हमने, इसका मतलब है बीच वाली जो आकृति है उसका इससे रिलेशन है, पहली वाली से कुछ का, और बीच वाली आकृति का इससे रिलेशन है, तीसरी वाली से कुछ का, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना।
ई आकृति ली हमने, मान लीजिएगा ये वाली, इसका मतलब है कि तीसरी आकृति वाली, तीसरी वाली का पहली और दूसरी से कुछ का रिलेशन है। क्लियर? एफ मान लीजिएगा हमने ये ली, ठीक है ना, बाहर वाली आकृति का इन दोनों से रिलेशन है, लेकिन अंदर वाली का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जी हमने ली मान लीजिएगा ये, ठीक है ना, कि इनका आपस में रिलेशन है, यहां कोई रिलेशन नहीं था, यहां आपस में कुछ का रिलेशन है। समझ गए? नहीं, एच मान लीजिएगा अब हमने थर्ड ली, इंडिविजुअली आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है लेकिन इनका नहीं है। यहां सभी का था, यहां कुछ का है। अब हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड लेंगे और आपको उन वर्डों का रिलेशन इनमें से क्या करना है, बनाना है, ढूंढना है, ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया पहला वर्ड आपका परिवार, और उसमें ले लिया अपना हमने माँ और पिता, ठीक है ना, तीन वर्ड दे दिए हमने, परिवार, माँ और पिता। तो इन तीनों में आपस में रिलेशन जो है कौन सी आकृति बताएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ऑप्शन है, इनमें से कौन सी आकृति इस रिलेशन को बनाएगी, परिवार, माँ और पिता, तो कौन सी आएगी, एफ। भाई परिवार, परिवार है ये बार वाला, और परिवार के अंदर ही क्या है, माँ है और पिता है, लेकिन माँ और पिता दोनों अलग अलग है। माँ पिता नहीं हो सकता और पिता माँ नहीं हो सकती, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन एफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, सोना, चांदी और आपका आभूषण, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑर्नामेंट, ठीक है ना, सोना, चांदी और आभूषण। तो इनमें से कौन सी आकृति, ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताएगी। कौन सा, ई, डी, और किसी का ए, एफ और भाई ए पे चलते हैं। देखो आभूषण जो होते हैं, सोना, आभूषण सोने के होते नहीं होते, यानी कि इसका तो आपस में कोई रिलेशन बनेगा। चांदी भी, आभूषण तो चांदी के भी होते हैं, यानी कि इनमें भी रिलेशन बनेगा, और ए में तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। एफ में आते, कुछ ने कहा एफ, हमने ये बाहर वाले मान लिए, क्या है ये, आभूषण है, ये अंदर मान लिया हमने सोना है, और ये मान लिया हमने चांदी है, ठीक है ना, ये सोना और ये चांदी, ये आभूषण। भाई आभूषण सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सोना चांदी नहीं होता, चांदी सोना नहीं होता, ये भी ठीक बात है, लेकिन एक बात सोचो,
क्या सारा सोना आभूषण है? नहीं हो सकता ना भाई, सोने के तो बिस्किट भी होते हैं, ठीक है ना, सोने के तो बर्तन भी होते हैं, तो वो तो आभूषण नहीं है, ठीक है ना। चांदी के बर्तन भी होते हैं, बिस्किट भी होते हैं, और भी अदर्स चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये तो है आपका क्या, सारा सोना आभूषण है, यहाँ है सारा चांदी क्या आभूषण, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जितना वर्ल्ड में सोना है सबका आभूषण बना दो, ऐसा नहीं हो सकता, या जितनी चांदी है उसका आभूषण बना दो, ठीक है ना, ये नहीं बन सकती। इसलिए क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा डी ऑप्शन, ये हमने मान लिए आभूषण, ठीक है ना, ये मान लिए हमने क्या, सोना, और ये मान लिए हमने चांदी, ठीक है ना भाई। कुछ सोना क्या है, आभूषण है, कुछ चांदी क्या है, आभूषण है। अब सारे आभूषण सोने और चांदी के नहीं होते, आभूषण तो और भी अलग अलग चीजों के होते हैं, प्लेटिनियम के हो गए, डायमंड के हो गए, ठीक है, और भी तांबे के भी हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के बनते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी, इन तीनों के रिलेशन को बताएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भवन, आदमी और लंबा, भवन यानी कि बिल्डिंग, ठीक है, आदमी यानी कि मैन, और लंबा मीन्स यानी कि टॉल, ठीक है। तो कौन सी आकृति इन तीनों के रिलेशन को बताएगी? एच, एच कैसे, हमने इसको क्या माना, भवन मान लिया, इसको क्या माना, लंबा मान लिया, और ये हो गए आदमी, ठीक है। तो आदमी, क्या आदमी लंबा नहीं हो सकता, हो सकता है, तो यहां तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, यहां तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। कौन सा बन रहा है आपका, बी, सी, सी लेते हैं चलो। ये क्या मान लिया हमने, हैं, भवन मान लिया, ये क्या मान लिया, आदमी, हैं, भवन का आदमी से कोई रिलेशन है? इसका भी आंसर आएगा डी, ये हो गया लंबा। अब भवन में और आदमी में तो कोई रिलेशन नहीं होता, भवन आदमी नहीं हो सकता, आदमी भवन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक तरफ, लेकिन भवन लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, आदमी भी लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो कुछ आदमी तो लंबे होंगे या कुछ भवन ही तो लंबे होंगे, तो कुछ का रिलेशन रख दो दोनों तरफ, ये भवन हो गया और ये क्या हो गया, आदमी हो गया। कुछ भवन लंबे हैं, कुछ आदमी लंबे हैं, लेकिन भवन और आदमी में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जिला, राज्य और देश, ठीक है ना, जिला, राज्य और देश। जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, राज्य स्टेट, और देश यानी कि कंट्री, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल ठीक है। देश सबसे बड़ा, उसके अंदर क्या आ गए, स्टेट आ गए, और स्टेट के अंदर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री, कंट्री के अंदर क्या है, स्टेट है, और स्टेट के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है,
तो इसका आंसर आ गया बी। क्लियर? अगला है, मां स्त्री और डॉक्टर, मां स्त्री और डॉक्टर, इसका आंसर आएगा ई। देखो ये मान लिया हमने मां, और जो मां है वो स्त्री तो होगी ही होगी, ठीक है ना भाई, मां स्त्री के अलावा नहीं हो सकती, पुरुष तो मां नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो मां कौन होगी, स्त्री होगी, यानी कि जितनी भी मां है वो सब क्या है, स्त्री है, लेकिन सारी स्त्रियां मां नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी मां है वो सब क्या होंगी, स्त्री होंगी, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या, कंफर्म है, ठीक है। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर सारे मेल नहीं होते, फीमेल भी डॉक्टर होती हैं, तो वो स्त्री भी हो सकती है, और जो डॉक्टर है वो किसी की मां भी तो हो सकती है, लेकिन सारी नहीं हो सकती, क्या रिलेशन बनेगा, कुछ का, तो ये आ गया आपका डॉक्टर, ठीक है ना, यानी कि कुछ डॉक्टर मां भी है, ठीक है, और वो मां है तो स्त्री तो होगी होगी, या कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल स्त्री है, वो किसी की मां नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई तो मां नहीं है, ठीक है ना, तो अनमैरिड भी तो होती हैं डॉक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। जज अपराधी और चोर, जज चपरादी, जज अपराधी और चोर, अगर जज ने एक्सीडेंट कर दिया तो वो अपराधी है या नहीं है, सही बात है, जज ने वकील को मार दिया, वो अपराधी है या नहीं है, देखो याद क्या रखना है, याद रखना है जज जब तक पद पे है तो वो अपराधी नहीं है, जैसे ही वो, अगर मान लो उसने कोई अपराध किया भी है तो सबसे पहले उसको अपराधी घोषित करने के लिए उसके जज के पद से उसे हटा दिया जाएगा, फिर वो जज नहीं कहलाएगा, तो ये जज वर्ड जो है ये ना अपराधी के अंदर आएगा ना ही चोर के अंदर आएगा, ठीक है ना, लेकिन सारे चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, चोरी करना क्या है, अपराध है, तो ये चोर हो गए और सारे चोर क्या हैं, अपराधी हैं। अब जज जो है ना अपराधी है और ना ही चोर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है ना, क्लियर। आलू बैंगन और सब्जी, आलू बैंगन और सब्जी,
भाई सब्जी के अंदर आलू भी आता और बैंगन भी आता, लेकिन आलू बैंगन नहीं हो सकता और बैंगन आलू नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग, ये सब्जी इसके अंदर आलू और इसके अंदर बैंगन, तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। महिला, माता और बहन, महिला माता और बहन, क्या गया जी? जी ऑप्शन सही है भाई। जो माता है वो महिला जरूर होगी, या जो बहन है वो भी महिला जरूर होगी, लेकिन सारी बहन माता हो ये जरूरी नहीं है, या सारी माता क्या हो बहन हो ये भी जरूरी नहीं है। भाई वो माँ है लेकिन उसके ना भाई है ना बहन है, तो वो किसी की बहन बनेगी नहीं, ठीक है ना? तो और कुछ बहन ऐसी होती है जो कुंवारी है तो माँ नहीं होगी, तो इसलिए क्या आएगा आपका जी ऑप्शन, ये होगी महिला, ये माता और ये बहन, समझ गए क्लियर। चमगादड़, कुत्ता और आपका स्तनधारी, स्तनधारी यानी कि मैमल, स्तनधारी मतलब मैमल, चमगादड़, कुत्ता और स्तनधारी। स्तनधारी को इंग्लिश में बोलते हैं मैमल। स्तनधारी का मतलब होता है जो जीव, ठीक है, अंडे नहीं देता, डायरेक्ट क्या देता है बच्चे देता है, वो कहलाता है स्तनधारी, ठीक है ना? ए अलग अलग तीनों, जब आपको ये देखना चमगादड़ स्तनधारी होती है या नहीं होती, चमगादड़ बच्चे देती है या अंडे देती है, यही तो पता करना है। कुत्ता बच्चे का बच्चे देता है या अंडे देता है, बच्चा देता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, कुत्ता का मतलब क्या आया है यहाँ पे, कुत्ता का मतलब है ऑल जाति को रिप्रेजेंट करना। कभी बाहर आपका दूर जा रहा हो कोई कुत्ता जा रहा, तो ये कहेंगे कुत्ता जा रहा है, ये नहीं कहेंगे कुत्तिया जा रही है, ठीक है ना? क्योंकि कुत्ता जो है वो पूरी जाति को बिलोंग करता है, कुतिया है या कुत्ता वो बाद का प्रोसेस है, बाद में पता चलेगी, लेकिन जब दूर है तो उसको हम क्या कहेंगे, कुत्ता जा रहा है, ठीक है ना? तो कुत्ता यहां पे पूरी जाति को बिलोंग करता है, ऐसी चमगादड़, चमगादड़ पूरी जाति को बिलोंग करती है, मेल है या फीमेल है वो बाद का प्रोसेस है, ठीक है ना? तो जितनी भी चमगादड़ होती हैं वो भी स्तनधारी हैं, और जितने कुत्ते हैं वो भी सब क्या हैं, स्तनधारी हैं, ठीक है ना? कुत्ते का मतलब आप ये भी आप लगाओगे अगर मेल है या फीमेल है, इसमें ऑकवर्ड लगेगा लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं,
ओकवर्ड में ये है कि आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जितने भी स्तनधारी हो उनके स्तन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, उनके स्तन जरूर होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे पुरुष में आ जाओ, पुरुष और स्त्री, ठीक है, स्तन जरूर होंगे, ठीक है। तो जो भी है वो क्या है, जो स्तनधारी है चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो दोनों के स्तन मिलेंगे, इसलिए ये दोनों क्या हैं, स्तनधारी हैं। तो ये स्तनधारी हो गए, और ये हो गए कुत्ते, और ये क्या हो गए, चमगादड़। कुत्ते चमगादड़ नहीं हो सकते, चमगादड़ कुत्ते नहीं हो सकते, लेकिन दोनों ही क्या हैं, मैमल हैं, दोनों ही स्तनधारी हैं। क्लियर? शिक्षक, स्नातक और शिक्षित, शिक्षक यानी कि टीचर, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है, और शिक्षित यानी कि एजुकेटेड। तो कौन सी आकृति इन तीनों के रिलेशन को बताएगी? ई वाली, ई वाली देखते हैं, ये वही होगी टीचर, और ये क्या हो गया, एजुकेटेड, और ये हो गया आपका ग्रेजुएट, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्या है, जो टीचर है, टीचर तभी बनेगा जब वो पढ़ा हुआ होगा, एजुकेटेड होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो टीचर ग्रेजुएट हो, क्योंकि टीचर तो क्या होता है, 12वीं पास करके भी बनते हैं, ठीक है, जिनको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, ठीक है ना। तो इन ग्रेजुएट के साथ में कुछ का रिलेशन आएगा, और सभी टीचर क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको रिलेशन रखना है, ठीक है। सही है रिलेशन, गलत है ये। अब यहां से एक चीज देखो, जितने ये ग्रेजुएट बनाए हैं, ग्रेजुएट, अब कुछ ग्रेजुएट तो एजुकेटेड हैं, बाकी ग्रेजुएट क्या अनपढ़ हो गए? ये देखो ना, भाई जो ग्रेजुएट है वो तो एजुकेटेड होगा ही होगा, या इसका मतलब तो ये हो गया, कुछ ग्रेजुएट एजुकेटेड है और कुछ ग्रेजुएट जो है वो बिना पढ़े लिखे डिग्री ले आए, फर्जी ऐसी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? जी आएगा, ठीक है। ये आपका टीचर, ठीक है, ये आपका एजुकेटेड, और ये आपका ग्रेजुएट, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सब क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है ना, और जितने टीचर हैं वो भी क्या होंगे, एजुकेटेड। क्लियर? तो अब आपको ये रिलेशन सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब समझ में आ गए तो इसका हम नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में चलेंगे, सिलोलिज्म चलेंगे, कथन निष्कर्ष चलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।